जी देखिए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। देखिए कि जो मजाकिया तौर पे वो बोल रहे हैं, मुझे बहुत अफसोस है कि एक विधायक है वो और एक शहर के लिए आज हम लोग भूख हड़ताल पे बैठे। कलवा मुमरा दीवाशील ये हमारा क्षेत्र है, उसके लिए हम बैठे, खुद के वहाँ के खुद के विधायक है, ये भूख हड़ताल को इसके फेवर में तो कभी आएंगे नहीं वो, क्योंकि टोरेंट से उनका कमीशन है। तो कम से कम इसके खिलाफ तो बातें, ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। उनकी मानसिकता बताती है कि उनको कितनी बौखलाहट हो गई हमारी भूख हड़ताल से, कि यानी सोचे उनको ऐसा लग रहा है कि हम लोग वाकई में टोरेंट को हटा देंगे यहाँ से। इसके लिए सब स्टेटमेंट है, उनका कमीशन बंद हो जाएगा। और मैं आपके माध्यम से उनके बोलना चाहूंगा कि तुम्हारी ये बौखलाहट हम लोगों को अच्छी लगी। कल तक हमारी एनर्जी थोड़ा डल थी, लेकिन जब से तुमने स्टेटमेंट दिया हमारी एनर्जी में एकदम एनर्जी आ गई हमारे अंग के अंदर के भाई तकलीफ हो रही है। आज शहर का काम होता हुआ देख करके एक शहर के दुश्मन को तकलीफ हो रही है। आप लोगों की सभा हुई थी मनी पर, उसको लेकर भी मुझे संदेह कैसा है? 20 लाख रुपए की बात कही है कि आया कहाँ से? हाँ, वो बात हमने सुनी कि उन्होंने कुछ बैग की बात की है। बैग उनके ऐसे बैग भर भर के लगता उनके पास आते, इसके लिए उनको हर जगह का ऐसा बैग का लगता है। उनके घर कैसे बन गए, बंगले कैसे बन गए, एक मामूली से फ्लैट में रहने वाला बंगलों में है, तो समझ में आता लोगों का बैग भर के किसके पास आता है। और वो रही बात हमारी सभा की, तो ऐसी सभा के लिए हमारे जो आज लोग बैठे टीम मेंबर, हम लोग बहुत काफी, हम लोगों ने सबने मिल करके हलाल पैसे से हमको उनकी तरह मुशायरा करने के लिए 10 लाख 20 लाख खर्चा नहीं लगता, यहाँ से जमा करने नहीं लगता। ये हम असद भाई के इतने चाहने वाले कि उनकी ऐसी सभा के लिए एक स्टेज में से 10 स्टेज लगाएंगे और वो हिसाब करता रहेगा। हम सबने मिल करके हमारे हलाल पैसे से कम पैसे में वो सभा को सजाया था। आरोप लगाया 20 लाख रुपए कहीं से आया, कहाँ से आया था? उनको ही पता, उनको हर वक्त पैसा आता है ना। मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि आप पता करेंगे, सैफ पठान, शाह आलम भाई, ये लोग के तो कारोबार है। शोएब डोंगरे, अहमद भाई, इन लोग सबके कारोबार है। मेरा इंटरनेट का बिजनेस है, उसका ऐसा कौन सा बिजनेस है कि एक मामूली से फ्लैट में रहने वाला है 100 करोड़ के बंगले में रहता। बोलो उसको जनता को हिसाब देने कि मुमरा आया था जब एक मामूली से फ्लैट में रहता तो दूसरों की गाड़ियां मांग के आता था, आज मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू में आ रहा है, तो ये पैसा कहाँ से आया उससे पूछो हिसाब। हम तो है ना हमारे हलाल पैसे से किए, हम तो बोल रहे ना हमारे कार्यकर्ता मजबूत है इंशाल्लाह। और उसको बोलो रमजान जान दे, इतना मत बोगला, रमजान जान दे, ऐसी 10 सभा और लगाएंगे इंशाल्लाह ताला। अभी तो असद भाई आए थे, अकबर भाई आ रहे, सोच ले अकबर भाई। ये भी टिप्पणी की थी, बाप शब्द का जिक्र किया है कि जिस टाइम टोरेंट आई थी उस टाइम पे भी तुम्हारी बाप थे, अब भी तुम्हारे ही बाप है, ऐसे बाप शब्द का जिक्र किया है, तो उस पर क्या कहना है? देखो, मैं हम सबकी तरफ से बोलता हूँ, सैफ पठान उसका एक ही बाप है जिसने उसको पैदा किया। अब वो कोई शौक नहीं तेरी तरह 10 बाप पालने का, हम लोगों का एक ही बाप है जिसने हमको पैदा किया। तू सियासत में 10 बाप पालता रहेगा, और तू जिसके बारे में बोल रहा वो तेरा बाप था क्या जब कलवा से तुझे जिता के ला रहा था? अभी तकलीफ हो रही है, अब तकलीफ हो रही है कि अब बाप बदल रहा है तेरा, अब 11वां बाप आ रहा है क्या कोई? मैं बापों की लिस्ट बताऊंगा ना तेरी, तो कहीं का मुंह दिखाने का। हाँ, वैसा जैसे 10 बाप खोला था वैसा 10 बाप गिना दूंगा तेरे। अभी हमारा एक ही बाप है और हम इंशाल्लाह ताला असल असल की नस्ल है हमारी। अच्छा, फाइनेंस जो हुआ था, एक बार फिर पूछूंगा, जो फाइनेंस हुआ था सभा का, वो भी बताया जा रहा है कि जो है वी की तरफ से जो है फाइनेंस किया गया था, क्या ये सच है? 20 लाख रुपए वहीं से आए थे? हमारी सभा 4 लाख रुपए में पूरा सभा हुई हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह। शाह आलम भाई है, मैं हूँ, शोएब डोंगरे भाई है, अहमद भाई है, इमरान है, यहाँ पर सब लोगों ने, असद भाई है, जावेद सिद्दीकी, सब लोगों ने अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से हम लोगों ने कंट्रीब्यूशन करा। और आज भी मैं बोलता हूँ कि जब वो मुमरा में आया था ना, उसकी उतनी औकात नहीं थी जितनी आज भी हम लोगों की है। तो ऐसी मैं बोल रहा हूँ, ऐसी 10 सभा हम लोग वापस, ऐसी 10 सभा हम लोग है ना वापस कंट्रीब्यूट करके करेंगे। और इस बार ना उसका असल बाप आने वाला है सभा में, अकबरुद्दीन ओवैसी, वो बराबर बताएगा तू कैसी औलाद थी। गद्दार, तो मैं सुना स्टेटमेंट क्या बौखला गया है, जहाँ 10 पब्लिक दिखती नहीं भाषण देने खड़ा हो जाता है, स्टेज पे चढ़ता नहीं, अल्लाह गिरा रहा है उसका, उसको टूर्नामेंट से भगाया गया कि बच्चे लोग ने, वो पागला गया। और यह बोल रहा कि गद्दारों को हम सपोर्ट नहीं करते, गद्दारों के मंच पे बैठा हुआ था हमारी पार्टी से जिसने गद्दारी की, जिसने उसको खरीदा वो गद्दार, और दोनों गद्दार एक ही साथ थे और गद्दारों के ऊपर बात कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, कह रहे कि एमआईएम पार्टी में उतनी भीड़ नहीं, उतना जो हमारे मुमरा में सुन लेते आने के लिए, इतना भीड़ चलने लगी।
हमारे वो हमारी ₹300 में लाने वाले जो भीड़ उन लोगों ने हमारी सभा वाले दिन निकाली थी, आप लोग ने पत्रकार भाइयों ने जब वो जनता से पूछा, जनता ने क्या कहा, मफलर उनका पहने और जनता क्या बोल रही थी, हम असद ओवैसी की सभा में जा रहे और वो हमको बोले 300 या कोई भी 300 वाला नहीं, या असदुद्दीन ओवैसी अकबरुद्दीन ओवैसी एमआईएम के चाहने वाले लोग आते, या हमारे से जो हमारे काम को देख करके हमसे मोहब्बत करते वो लोग आते। आलम भाई क्या कहेंगे आप इस तरह से, कल एसपी की पार्टी की ऑफिस का उद्घाटन था, उस मौके पर आपने भी सुना जिस तरह से कलाम मुंडा के विधायक का बयान, आपका क्या कहना? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। इस्लामुद्दीन भाई, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जिस ऑफिस की वो ओपनिंग की है, री ओपनिंग हुई, इससे पहले से वो ऑफिस एनसीपी की ही थी, कोई एमआईएम की नहीं थी। और जो वो कह रहे ना भीड़ जमा कर रहे, एक आमदार एक मंत्री जिस ओपनिंग में जा रहे, जहाँ पे 100 से 150 लोग थे 200 लोग, हमारा तो आंदोलन है ना, हमारा आंदोलन कभी भी कहीं भी हुआ भूख हड़ताल हुई 150 लोग से ही भूख हड़ताल और आंदोलन चलता है। और भी अलग अलग बयानबाजी की, देखिए जो बयानबाजी उन्होंने किए, जो जिस तरीके का उन्होंने बयानबाजी की एमआईएम को लेके कि इसका पैसा कहाँ से आया, तो जब साहब आपको मालूम है कि इसका पैसा कहाँ से आया तो आप ही बता दो लाके कि कहाँ से पैसा आया, तो आपके पास जो चीज है वो आप बता दो ना। तो हमारे जो अध्यक्ष ने हमारा बोला है, हर सवाल का जवाब आपका दे दिया, उन्होंने जो कहा बैग आता तो किसके पास बैग आता सबको मालूम है, हमारे पास 20 लाख का उन्होंने बोला फंड चंदा आया किसी ने दिया, या बैग आया तो किसने दिया वो लाओ तो सही, और तुम्हारे तो हर काम का प्रूफ दे रही है एमआईएम, आप लाके तो दो कि हमको किसने 20 लाख रुपया दिया, बोलने से नहीं चलता है।